टू आर एस आर फाइनेंस। सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आर एस आर फाइनेंस। तो दोस्तों, आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे आर एस आर फाइनेंस पे। दोस्तों, हमारे चैनल पे आप लोग नए हो और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया जल्दी से जरूर कर दीजिए, और दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक जरूर कर दीजिए। दोस्तों बेल आइकन नोटिफिकेशन को जरूर दबा दीजिए, दोस्तों हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, आप लोगों से मेरा पर्सनल टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, यहाँ पे दोस्तों आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हो। एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूँ तो भाई यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, लोन विन एप्लीकेशन का नाम है, 500 प्लस इसके डाउनलोडिंग है। भाई यहाँ से अगर आपको लोन लेना है, देखो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, एप्लीकेशन का रिव्यू करना मेरा काम होता है, हर एप्लीकेशन के बारे में आपको बताना, अप्लाई करना ना अप्लाई करना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि दोस्तों मेरा काम है ये सारी एप्लीकेशन का रिव्यू करना। अब यहाँ पर जो है लोन बिन, अब जैसा कि आप लोगों को पहले भी बताया और मैंने कितनी बार हर वीडियो में बताया है कि इसकी जो एप्लीकेशन है भैया वो मल्टीपल लोन एप्लीकेशन है, काफ़ी सारी एप्लीकेशन देखने को मिल जाती है, कम से कम 100 से 150 एप्लीकेशन होगी और इन्हीं की एक एप्लीकेशन में ही लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। मतलब जैसे कि मान लीजिए लोन बिन एप्लीकेशन है, इसी के अंदर आपको 6-7 लोन एप्लीकेशन मिल जाती है, मल्टीपल लोन एप्लीकेशन, जिसमें आप जो है 3-3 हज़ार रुपये के लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, 2-2 हज़ार रुपये के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। भाई इसका एक कंडीशन यही है कि फ्रेशर लोगों को लोन नहीं देती, बाकी जो है अगर आप ओल्ड हो, अगर आपने पहले से दूसरी कंपनी में लोन ले रखा है और उसकी रिपेमेंट नहीं की है तो भैया यहाँ से ना मिलना के बराबर है। जी हाँ दोस्तों, फिर यहाँ से जो है आप लोगों को लोन नहीं मिलेगा। अगर आप फ्रेशर हो और आपने कभी लोन के लिए अप्लाई नहीं किया तो 101% जो है यहाँ से लोन मिल जाएगा, और अगर इसकी एक भी कंपनी से आपको लोन मिला होगा तो इसकी सारी ही कंपनी से आप लोगों को लोन मिल जाएगा, इंस्टेंट लोन मिलेगा और फास्ट मिलेगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर बहुत लोगों को ऑप्शन नहीं मिलता भाई आधार कार्ड पैन कार्ड अपलोड करने का। जब आप नए मोबाइल नंबर से रजिस्टर करोगे, नए सिम कार्ड से रजिस्टर करोगे तो आपको एक ऑप्शन शो होगा आधार कार्ड पैन कार्ड अपलोड करने का, तो जाके आपके पास ये ऑप्शन शो होगा दोस्तों, फिर जाके आप जो है लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज बहुत लोगों को मैंने देखा है कि लॉगिन करते ही जो है वहां पर सिर्फ अप्लाई करने का ऑप्शन आ जाता है और आधार कार्ड पैन कार्ड अपलोड करने का ऑप्शन नहीं आता। वो इसलिए होता है क्योंकि आपने अदर मोबाइल नंबर है वो अदर एप्लीकेशन में भी जो है लॉगिन करके रखा होता है, इस चक्कर में जो दोस्तों यहां पर जो है आपको ऑप्शन शो नहीं होता। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।